सुपर 50 के जरिए फौज कश्मीरी बच्चियों को मेडिकल की फराहम करा रही कोचिंग। डल झील को रिवायती तरीके से किया जा रहा साफ, बढ़ाई जा रही रौनक। और बच्चों के लिए कश्मीर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का किया गया एहतमाम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं तपस्या और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर की बच्चियों को डॉक्टर बनने के ख्वाब को यकीनी बनाने में मदद पहुंचाने की। बच्चों को सही रहनुमाई और तालीमी सहूलियात मुहैया कराने के मद्देनजर गुज़श्ता कई बरसों से फौज की जानिब से सुपर 30 प्रोग्राम का आगाज किया जाता रहा है। इस बरस इसके चौथे बैच में यहां की बच्चियां भी इससे मुस्तफीद हो सकें, इसी के मद्देनजर इस बरस लड़कियों को भी इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। दूर दराज के इलाके से ताल्लुक रखने वाली बच्चियों के लिए कोचिंग की सहूलत उनके अपने ख्वाब को यकीनी बनाने में मददगार साबित होगी। जम्मू कश्मीर के बच्चों के करियर को नई सम देने में फौज के ताउन के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की बच्चियों के करियर को नई सम्त देने के लिए फौज किस कदर कोशा है, उसी की अलामत है ये तस्वीर। यहाँ के बच्चे और बच्चियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल में दाखिले के लिए होने वाले इम्तिहान की कोचिंग मुहैया कराने के लिए शुरू किए गए सुपर 30 प्रोग्राम में तौसी की गई है। पहले इसमें सिर्फ लड़कों को ही कोचिंग दी जाती थी, मगर अब इस बरस से इसमें लड़कियों को भी शामिल किया जा रहा है। ये इसका चौथा बैच है। इसमें मेडिकल के लिए जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाके के दर्जन भर से ज्यादा बच्चियों का इंतखाब किया गया है। यहाँ पे 21 गर्ल्स की सिलेक्शन हो गई है। हमने रिटन टेस्ट दिया, उसके बाद इंटरव्यू, और फिर हम 21 गर्ल्स सिलेक्ट होके यहाँ आ गए हैं। और हमें अब यहाँ पे सारी वो फैसिलिटीज मिल रही है जो हमें बाहर बहुत ज्यादा पैसों में मिलती है, लेकिन हमें यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है। और यहाँ की फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो दुनिया की मैं मान रही हूँ सबसे बेस्ट फैकल्टी है। फौज की जानिब से मुहैया कराई जा रही कोचिंग से मुस्तफीद होने के लिए बच्चों को एक इम्तिहान से गुजरना होता है। इसमें दूर दराज के इलाके से ताल्लुक रखने वाले, माली एतबार से कमजोर और दहशत गर्दी से मुतासिर बच्चों को तरजीह दी जाती है। अब तक इस प्रोग्राम के जरिए 90 ऐसे तालिबे इल्म हैं जिन्होंने अपने डॉक्टर बनने के ख्वाब को यकीनी बनाया है। इस बरस बच्चियों को भी इसमें शामिल किया गया है। कोचिंग के जरिए मुनक्किदा इम्तिहान में अलग अलग इलाके की 1800 बच्चियों ने हिस्सा लिया। यहाँ पर वो खुशनसीब बच्चियाँ हैं जिन्हें कोचिंग हासिल करने का मौका मिलने जा रहा है। यहाँ पे तो हमसे बहुत ज्यादा मेहनत करवाई जाती है और ये भी यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रैक्ट मतलब होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल फोन्स अलाउड है ही नहीं, जो मतलब पहले सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ही करते हैं वो यहाँ पे अलाउड है ही नहीं। और हमारी क्लासेस यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस होती है, उसके बाद भी जो कोई डाउट रहता है तो उसके लिए डाउट क्लासेस अलग से होती है। मतलब यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है। फौज की जानिब से बच्चों को कोचिंग मुहैया कराने के लिए साल 2018 में इसका आगाज किया गया। इसमें चुने गए बच्चों को हर बरस मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत दूसरे मुकाबला जाती इम्तिहान की कोचिंग दी जाती है। गुज़श्ता 3 सेशन से लड़कों को कोचिंग दी जा रही थी, मगर इस बरस एक साला मुद्दत की मेडिकल स्ट्रीम की कोचिंग में लड़कियों को भी शामिल किया गया है। इससे कुदरती तौर पर लड़कियां खुश हैं। दरअसल तमाम तरह की सहूलियात से लैस कोचिंग सेंटर में उन्हें मयारी तालीम मुहैया कराई जाएगी और ये बिल्कुल मुफ्त होगी। जो एक फेथ पेरेंट्स ने, कश्मीरी अवाम ने और बच्चों ने हमारे ऊपर दिखाया, उस फेथ की वजह से हम ये कर पाए कि हमने ये एक नया इनिशिएटिव खास तौर से श्रीनगर टाउन के अंदर ही चलाया, जहां पर बच्चे हमारे आए। और पिछले 3 जो इवेंट्स हुए हैं, जो सेशंस हुए हैं, तीनों के अंदर जो हमारा सक्सेस रेट है वो बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट है। जम्मू कश्मीर में फौज की जानिब से लोगों की फलाह बहबूद के लिए कई तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सद्भावना के तहत तालीम से लेकर खवातीन को बाख्तियार बनाने तक के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग देने से लेकर रोजगार मुहैया कराने में भी मदद पहुंचाई जाती है। बच्चे और बच्चियों के मुस्तकबिल को संवारने में ताउन देना उसी की कड़ी है। फौज की कोशिशों से उन बच्चियों को भी आज कोचिंग हासिल करने का मौका मिल रहा है। ये उन्हें अपने मुस्तकबिल को रोशन करने में मददगार साबित होगा। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की आन बान और शान झीले डल की रौनक को बहाल करने की सम्फ में किए जाने वाले इकदाम की। झील का पानी साफ रहे,
शिकारी की बिना रुकावट नकलो हमल से सैयाह लुत्फानंदोज हो सकें, इसके लिए इस झील की गंदगी को साफ करने और इसे आलूदगी से पाक किए जाने की जरूरत है। लिहाजा एक गैर सरकारी इदारे की जानिब से झील की रिवायती तरीके से सफाई की जा रही है। काबिले जिक्र है कि झील में मौजूद लिली को हटाने का ये रिवायती तरीका काफी कारगर है। उसे जड़ों समेत निकालने से इसके लंबे वक्त तक फिर से उगने के इम्कानात कम हो जाते हैं। डल झील की रिवायती तरीके से हो रही साफ सफाई के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की डल झील को यहाँ का नगीना माना जाता है। ये महज यहाँ की खूबसूरती को चार चांद ही नहीं लगाती है, बल्कि सियाहती मकाम के तौर पर भी ये दुनिया भर में मकबूल है। लिहाजा इसकी रौनक को बरकरार रखने के लिए इसे साफ सुथरा बनाने और इसे आलूदगी से पाक रखने को अवलीन तरजीह दी जाती है। इसी सम्त में गैर सरकारी इदारे की जानिब से इसमें मौजूद लिली को हटाने का काम किया जा रहा है। ये झील के पानी के चैनल्स को खोलने के लिहाज से भी अहमियत की हामिल है। हम इसे साफ करते हैं, ये देखो ये जनाब, इसे जब साफ हम करते हैं तो इसको उठाते उठाते ही नाव में रखना चाहिए और किसी जगह पर भेज देना जहाँ पर ये डंप हो जाएगा तो ये साफ हो जाएगा। तो ये हमारा इधर कोई शिकारा वाला था, कोई मछली वाला था, कोई सब्जी वाला था, जो सब्जी उगाता है उसके लिए काम आता था ये। डल झील को साफ सुथरा बनाने और आलूदगी से पाक करने का ये रिवायती तरीका है। इसमें जड़ समेत लिली को बाहर निकाला जाता है ताकि ये फिर से ना पनपने पाए। इसको बेहद ही बारीकी से निकालकर डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचाया जाता है। ताहम मौजूदा वक्त में नई नई मशीनें आ गई हैं और उसकी मदद से झील की सफाई और आलूदगी को खत्म करने का काम किया जा रहा है, मगर उससे झील पूरी तरह से लंबे वक्त तक साफ नहीं रह पाती है। इसी के मद्देनजर इसे रिवायती तरीके से साफ किया जा रहा है। बड़ी तादाद में डल झील के आसपास रहने वाले भी इसमें अपना ताउन दे रहे हैं। हमने आज ये ड्राइव किया है, किस तरह ये मैन्युअली हम लोग खुद इसको साफ कर रहे हैं, कैसे ये लिली को खत्म करेंगे, जड़ से उखाड़ते हैं। तो जो हमारे पास टूल्स है, जो भी दिखाएंगे आपको कि जो हमारे पास टूल्स है, हम किस तरह इसको पूरा जड़ से उखाड़ते हैं ताकि ये दोबारा अगले साल नहीं आएगा। ये हाइब्रिड लिली है, ये बहुत तेजी से बढ़ती है और ये कम वक्त में बहुत सारे रकबे पर फैल जाती है, इसीलिए इसे जड़ समेत बाहर निकालने की जरूरत होती है। लेग्स एंड वाटर बॉडीज यानी लावड़ा की जानिब से इसे बाहर निकालने का काम किया जाता है, लेकिन मशीनें उस तरह से झील को साफ नहीं कर पाती हैं और कुछ वक्त के बाद ये फिर से उग जाती है। लिहाजा इसे रिवायती तरीके से साफ करने का जिम्मा गैर सरकारी इदारे ने उठाया है। सफाई के रिवायती तरीके पर अमल आवरी से मजदूरों को भी अपनी रोजी रोटी का जरिया मिल गया है। जो टूरिज्म से वास्ते टूरिस्ट यहाँ आते थे वो इनसाइड लेक में, इंटरनल लेक में बहुत जाते थे, घूमते थे। वो रोड्स टोटली ब्लॉक हो गए थे बिकॉज ऑफ लिली। जब ये लिली रिमूव हो जाते वो लोग वहाँ से भी आएंगे तो थोड़ा सा मूवमेंट भी हो जाएगा वहाँ से, और इनका जो जो अंदर के लोग रहते हैं वहाँ से भी उनको थोड़ा सा रोजगार उस टूरिज्म से मिल जाएगा और जो बाकी काम है लेक भी साफ रहेगा। सियाहत जम्मू कश्मीर की मईशत की बुनियाद है। हर बरस लाखों की तादाद में सैयाह यहाँ पर पहुँचते हैं और डल झील उनकी पसंद का अहम मरकज होता है। शिकारे पर सैर करना उनकी दिली ख्वाहिश होती है, लिहाजा डल झील की सफाई बेहद जरूरी हो जाती है। लिली के बढ़ते रकबे की वजह से शिकारे की सवारी करना मुश्किल होता जा रहा है। इसी के मद्देनजर वक्तन फवक्तन मुतालिका महकमे की जानिब से भी झील की साफ सफाई की मुहिम चलाई जाती है ताकि इसकी रौनक बरकरार रहे और इसकी अहम सियाहती मकाम के तौर पर मकबूलियत बनी रहे। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। इडेमित्सू कोसन ने एक नया बिजनेस मॉडल को लॉन्च किया है। इसको जापान में मौजूद 6300 गैस स्टेशनों को
वन स्टॉप शॉप एंड सर्विस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे स्मार्ट यूरोजुआ नाम दिया गया है। शिजुओका के इस गैस स्टेशन में ब्रेन MRI की फैसिलिटी मुहैया है। इसका मकसद इलाज के लिए एहतियाती तिब्बी सहूलियात मुहैया कराना है। यहाँ से इसकी तस्वीरों के जरिए रिमोट मेडिकल ट्रीटमेंट के तहत ब्रेन सर्जन की जानिब से मदद पहुँचाई जाती है। जरूरतमंद वेब सर्विसेज के जरिए हफ्ते भर में रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। किसी तरह की परेशानी की सूरत में रीजनल रेसिडेंट सेंटर से क्लिनिकल मदद पहुंचाई जाती है। स्मार्ट यूरोजिया कोसो というの ये लोगों के लिए न्यू लाइफ टाइम वैल्यूज को समझने और उनकी जिंदगी को आसान बनाने वाले मुतबादिल में से एक होगा। इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये बहुत ही मानी खेज और दिलचस्प प्रोजेक्ट है। समा तो मिससेत्सुनी इडे मिस्तु कोसन का ये नया कारोबारी आइडिया यहाँ के सामाजिक तौर तरीकों का हिस्सा है। आमतौर पर मकामी बाशिंदों का गैस स्टेशंस के साथ राबता रहता ही है और इसमें तिजारत के नए तौर तरीके पैदा करने के मजीद फायदे हैं। इसकी जरूरत और अहमियत को लोग भी तस्लीम करते हैं। एक से एक नायाब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पहनावे और दूसरे साजो सामान दुनिया भर के लोगों की तवज्जो का मरकज है। न्यूयॉर्क के हार्ड रॉक कैफे में इनको नीलामी के लिए पेश किया गया है। काबिले जिक्र है कि दुनिया के मशहूर म्यूजिक स्टार्स के ये साजो सामान हैं और आइकन्स एंड आइडियल रॉक एंड रोल से इसकी नीलामी की जा रही है। माइकल जैक्सन से लेकर एमी वाइनहाउस, कैटी पेरी के ड्रेसेस समेत एल्विस प्रेस्ली के गहने भी यहाँ मौजूद हैं। तकरीबन 900 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। दुनिया के मशहूर आर्टिस्ट की ड्रेसेस, उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनके गहनों की नीलामी कई लिहाज से अहमियत की हामिल है। दीगर बात यह है कि ये दुनिया के मशहूर शख्सियात के सामान है जिनका इस्तेमाल उन्होंने कामयाबी का परचम लहराते हुए किया था। उसका मालिकाना हक हासिल करने वाले लोगों के लिए ये किसी ख्वाब के पूरा होने से कम नहीं है। जापान में कार का इस्तेमाल करने वालों के लिए ड्राइव रिकॉर्डर बेहद ही मकबूल है। फुरुकावा इलेक्ट्रिक ने एक यूनिक सर्विस की शुरुआत की है जो ड्राइव रिकॉर्डर के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से अहमियत की हामिल है। ड्राइव रिकॉर्डर की मदद से मकामात से मुतालिक तमाम तरह की जानकारियों को हासिल करने में मदद मिलती है। जापान के ट्रैफिक निजाम को मजबूत बनाने के लिए 1950 से 1970 के दौर में कई तरह के तजुर्बे किए गए। ये जापान की मुआशी तरक्की का दौर था। सड़क की हालत कैसी हो, कहीं एक्सीडेंट या टक्कर के इम्कान तो पैदा नहीं होते हैं। फुरुकावा इलेक्ट्रिक डिटेक्टिंग सिस्टम के तौर पर काम करता है और इससे रोड मैनेजमेंट को मजबूत बनाने में म्यूनिसिपल गवर्नमेंट और रोड मैनेजर को मदद मिलती है। मिट्टी टेन सर्विस सड़क के किनारे के इक्विपमेंट्स के रखरखाव और मेंटेनेंस साइकिल को बेहतर बनाने में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अहम रोल है। ये एक तरह से डेटाबेस चार्ट को तैयार करती है। फुरुकावा इलेक्ट्रिक की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिकिटेन आवाजाही को आसान बनाने में अपना ताउन देती है। और अब बात करते हैं तालीम के शोबे में बेहतरी लाने के लिए की जा रही हुकूमत की कोशिशों की। मुल्क और कौम की तामीर में तालीमी इदारों का अहम किरदार होता है और उसे यकीनी बनाते हैं इन तालीमी इदारों से फारिग होने वाले तालिब इल्म। ऐसे में लाजमी हो जाता है कि स्कूलों में वो तमाम सहूलियात मुहैया कराई जाएं जो तालिब इल्मों को बिना रुकावट अपनी तालीम को जारी रखने के लिए जरूरी हैं। स्कूल के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए और तालीम के मयार को बेहतर बनाया जाए। इस सम्त में जम्मू कश्मीर में मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं और सरकारी तालीमी इदारों को तमाम तरह की सहूलियात से नवाजा जा रहा है। राजौरी के दूर दराज के देही इलाके के ऐसे ही सरकारी स्कूल के हवाले से पेश है ये रिपोर्ट।
लाइन ऑफ कंट्रोल से मुंसलिक राजौरी जिले के तहसील मंजाकोट में वाकई ये है देहरी रलियोट। दूर दराज के इस देही इलाके में वाके गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में तलबा और तालिबात की ये सरगर्मियाँ एक खुशनुमा एहसास कराती हैं। पढ़ाई में मसरूफ तालिब इल्म इस बात की यकीन दहानी करा रही हैं कि वो अपनी तालीम को लेकर संजीदा है। ताहम इस माहौल को बनाने में इस स्कूल में मौजूद सहूलियात का बड़ा हाथ है। साथ ही तालीम का मयार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जिसको यकीनी बनाने में इस तालीमी इदारे के असातिज़ा का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता है। बहुत कम गवर्नमेंट स्कूल हैं जिनमें जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो रही है। ज़्यादातर स्कूलों में जो है वो रोल जो है वो फॉल कर रहा है, मगर हमारा स्कूल ऐसा है कि जिसमें मेंडर के बच्चे जो हैं, मेंडर जोन के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मंजाकोट से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ये इस बात का वाज़े सबूत है कि स्कूल का स्टाफ जो है मेहनती है। इसी वजह से बच्चे जो हैं वो बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हमारे पास इस साल बच्चे आए हैं। आज इस स्कूल की मकबूलियत महज देहरी रलियोट तक ही महदूद नहीं है। इस स्कूल का बुनियादी ढांचा, यहाँ मौजूद सहूलियात की खसूसियात इस देही इलाके की सरहदों से निकलकर मंजाकोट और पुंछ के मेढर इलाके तक पहुँच चुकी है, और यही वजह है कि इन इलाकों के बच्चे भी इस स्कूल में दाखिला लेने में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। स्कूल का रख रखाव, अच्छी हालत में मौजूद क्लासरूम और क्लासरूम में तालिबे इल्मों के बैठने के बेहतर इंतजाम के साथ तालिबे इल्मों के लिए पार्क, पीने का साफ पानी और वॉशरूम जैसी सहूलियात मुहैया कराने पर खास तवज्जो मरकूज की गई है। जाहिर है ऐसे में तालिबे इल्मों का रुझान भी तालीम की जानिब मजीद बढ़ता है। पहले स्कूल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, यहाँ पानी की कमी थी, बच्चों के बैठने के लिए चीजें नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा चीजें आ गई हैं। ऊपर अब एग्जामिनेशन हॉल बन गया, यहाँ एग्जाम होते हैं बच्चों के, पिछली बार हुए थे तो बच्चे यहाँ अच्छी तरीके से बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। तो ये चिल्ड्रन पार्क बना है तो इसमें फ्री टाइम में लड़कियाँ आके यहाँ बैठ सकती हैं। बच्चे तालीम की जानिब राग़िब हो इसके लिए भी हुकूमत की जानिब से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इस सम्प में हुकूमत की जानिब से बच्चों को मुफ्त तालीम मुहैया कराई जा रही है। वालिदैन पर बच्चों की पढ़ाई का बोझ ना पड़े इसके लिए किताबों से लेकर यूनिफॉर्म तक हुकूमत की जानिब से मुफ्त मुहैया कराई जाती है, और फिर ऐसे में तालीम का मयार भी बेहतर हो तो यकीनन यह सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। यही वजह है कि इस इलाके के वो बच्चे भी इस स्कूल में दाखिला लेने को तरजीह देने लगे हैं जो अभी तक निजी स्कूलों से तालीम हासिल कर रहे थे, और तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। पहले प्राइवेट स्कूल में इसलिए जाते थे क्योंकि इधर कोई फैसिलिटी नहीं थी, इधर से जाते थे रास्ते का किराया आने जाने का, उधर ट्यूशन फी वो सब देनी पड़ती थी, लेकिन अब इसलिए इधर आए हैं क्योंकि इधर सभी फैसिलिटी है, सब कुछ फ्री है, किताबें यूनिफॉर्म सब कुछ, इसीलिए इधर आए, मॉडिफाई हुआ इसलिए। महीने का 2-3 हज़ार रुपया देना पड़ता था, अब इधर सब कुछ फ्री है तो जरूरी क्या, इधर सब फैसिलिटी है उधर जाने का। बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, उन्हें तमाम तरह की सहूलियात मुहैया हो, इसे यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से लगातार कोशिशें जारी हैं। इसके लिए तमाम तरह के मंसूबे बनाए जा रहे हैं और होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप देने का इंतजाम भी किया गया है। इसका वाहिद मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे अच्छी तालीम और तरबियत हासिल करें, मुल्क की तामीर में अपना हिस्सा डाल सकें। अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे इस कसौटी पर खरा भी उतर रहे हैं, और शायद ही कोई शोभा हो जहां वो अपनी मौजूदगी दर्ज ना करा रहे हो। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। खुद रोजगार से मुतालिक स्कीम्स को लेकर गुज़श्ता दिनों सेक्रेटरीज और बैंक के अफसरों ने इसका जायजा लिया। इस दरमियान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के फाइनेंशियल डिसबर्समेंट के 2 लाख मामलों के निपटारे का हदफ रखा गया। जम्मू शहर में एक खास सेल्फी प्वाइंट बनाए जाने का है मंसूबा, वो प्वाइंट कौन सा हो इसके लिए बाकायदा लोगों से राय मशवरा लेने पर किया जा रहा है गौर। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए तजावीज देने और अपने ख्यालात का इजहार करने की लोगों से की गई है गुजारिश। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कोरोना वबा के खतरे के पेश नजर 6 सतह की हिकमत अमली अपनाने की दी है हिदायत।
इसमें टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट समेत वैक्सीनेशन और कोविड से मुतालिक गाइडलाइंस की हिकमत अमली पर अमल करना है शामिल। इससे कोरोना वबा का मुकाबला करने और उससे निजात हासिल करने में मिलेगी मदद। एसकेआईसीसी श्रीनगर में मुनक्कदा नशा मुक्त भारत अभियान अवार्ड सेरेमनी को वर्चुअल मोड से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया खिताब। गुज़िश्ता दिनों मुनक्कदा इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यूटी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए तमाम तरह के कर रही है इकदाम। जम्मू कश्मीर में नशे की बुराइयों को खत्म करने में हुकूमत की कोशिशों को मिल रही है बड़ी कामयाबी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि 3 लाख नौजवानों, 2.7 लाख खवातीन और 500 से ज्यादा तालीमी इदारों के ताउन से हुकूमत की जानिब से इस सम्त में की जा रही कोशिशों को मिली है मजबूती। और श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत GIS मैपिंग का किया गया आगाज। इसके तहत श्रीनगर शहर में QR बेस्ड डिजिटल डोर नंबर प्लेट्स लगाए जाएंगे। सभी घरों और उसके अहातों का यूनिक डिजिटल एड्रेस होगा। GIS मैपिंग और एड्रेस सिस्टम से सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने में मिलेगी मदद। और अब बात करते हैं गैजेट की। जियो पहली बार एक लैपटॉप को लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी की जानिब से जियो बुक नामी इस लैपटॉप के बारे में कोई डिटेल्स देने से परहेज किया जा रहा है। ताहम बाजार में जल्द आने वाले इस लैपटॉप के बारे में कुछ अहम जानकारियां मंजर आम पर आई हैं। नई लिस्टिंग से जो जानकारी लीक हुई है, आइए डालते हैं उस पर एक नजर। जियो का पहला लैपटॉप जियो बुक एंड्रॉइड 11 पर काम करेगा। इसमें 2 GHz और 2 GB रैम मिल सकती है। मीडियाटेक प्रोसेसर से लैस इसके 3 वेरिएंट होंगे। इसमें HDMI, USB-A जैसे कनेक्टिविटी पोर्ट दिए गए हैं। इसके अलावा वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए कुछ वेरिएंट में डुअल बैंड वाईफाई के साथ 4G LTE भी मिल सकता है। ऑनलाइन क्लासेस के पेश नजर लैपटॉप की बढ़ रही मांग को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जा रहा है। डिस्प्ले की बात करें तो ये चिपसेट फुल HD रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर सकता है। हालांकि कीमत को किफायती बनाने के लिए कम रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलने की भी उम्मीद है। इसकी कीमत को लेकर के कोई खुलासा नहीं किया गया है। ताहम इसका किफायती होना इसकी सबसे बड़ी खूबी होगी। और अब बात करते हैं खेलकूद को फरोग देने की सम्त में मुहैया कराए जाने वाले प्लेटफॉर्म की। खेलकूद में खिलाड़ियों के हुनर को निखारने के लिए प्रैक्टिस और मुकाबला बेहद जरूरी है, खासकर तब जब वो इस सम्त में करियर के इम्कानात तलाश रहे हों। वो इनमें नए मकाम तय कर पाएं और अपने करियर को नई सम्त दें। इसी के मद्देनजर गुज़श्ता दिनों श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। इसमें बड़ी तादाद में इंटर स्कूल के बच्चों ने शिरकत की और अपनी खेल सलाहियत का मुजाहिरा करते हुए लोगों की तवज्जो भी हासिल की। ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। मौसमी सरमा ने दस्तक दे दी है, मगर श्रीनगर में वाके इंडोर स्पोर्ट्स क्लब में बच्चों की सरगर्मियां गर्माहट पैदा करती नजर आ रही हैं। बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे अपने खेल हुनर का मुजाहिरा करते नजर आ रहे हैं। उनका पुरजोश नजर आना कुदरती बात है। दरअसल ये उनकी तवानाई को नई सम्त देने और उनकी मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने, इस शोबे में बुलंदियों तक पहुंचने का अहम प्लेटफॉर्म है। लिहाजा वो 30वें कश्मीर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के इस मुकाबले में खुद को अव्वल साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पे आज कश्मीर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है। अगर जो जो लोग जीतेंगे वो स्टेट के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, और अगर स्टेट जीता तो उसके बाद नेशनल जो। अगर आपको बैडमिंटन में अपना करियर बनाना है, ये चैंपियनशिप बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये बैडमिंटन चैंपियनशिप कई लिहाज से अहम है। इसमें कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। 4 रोजा इस टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की। स्कूली सतह के मुकाबलों के लिए मुनक्कदा इस चैंपियनशिप में अलग अलग कैटेगरी बनाई गई, ताकि हर उम्र के बच्चे इसमें शामिल हो सकें। जम्मू कश्मीर बैडमिंटन एसोसिएशन की जानिब से मुनक्कदा इस चैंपियनशिप को स्पोर्ट्स काउंसिल का ताउन भी हासिल था। ये बच्चों के लिए अपने खेल हुनर को मंजरे आम पर लाने का अहम प्लेटफॉर्म साबित हुआ।
इस चैंपियनशिप से हमें स्टेट नेशनल जाने के लिए भी काफी मौका मिलता है। तो कितना अच्छा लगा आपको यहाँ पे आके? हमें बहुत अच्छा लगा। तो कहाँ तक जाना चाहते हैं आप इस गेम में? हम इस गेम में नेशनल तक जाना चाहते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इंटरनेशनल में। खेलकूद में बच्चों की दिलचस्पी को फरोग मिले इसकी दरकार है। कश्मीर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का एहतमाम उसी के तहत किया गया है। अलग अलग खिलाड़ियों के साथ खेलने से उन्हें बहुत कुछ नया और बेहतर सीखने का मौका मिलता है, साथ ही अगले मरहले के मुकाबले में भी उन्हें जगह दी जाती है। इस तरह से वो इस सम्त में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये इन बच्चों के लिए इस खेल में अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने की कड़ी है, लिहाजा इस तरह के मौके उन्हें वक्तन फवक्तन फराहम हों इसकी दरकार है। यहाँ से प्लेयर्स निकल के स्टेट के लिए जाते हैं। स्टेट जो हमारी मैक्सिमम टाइम जम्मू में ही होती है, इसके बाद जो भी प्लेयर्स निकलेंगे वो सब जम्मू जाएंगे इंशाल्लाह स्टेट खेलने के लिए। एंड उसके बाद अगर कोई होगा जो हमारे स्टेट्स में निकलते हैं, फिर वो नॉर्थ जोन या नेशनल्स के लिए जाते हैं। इसमें से मेनली जो बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ नए नए बच्चे, और बैडमिंटन आजकल अब थोड़ा सा बच्चों में आ रहा है कि पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि बैडमिंटन गेम बहुत उभर रही है, सो ये बहुत अच्छा है। जम्मू कश्मीर में जमीनी सतह पर खेल कूद को फरोग देने पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। इससे मुतालिक बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। सालों भर खेल कूद की सरगर्मियों को बरकरार रखने के लिए तमाम जिलों में इंडोर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। उन्हें खेल में माहिर बनाने के लिए कोच की सहूलत मुहैया कराई जा रही है और उनकी सलाहियत को निखारा जा रहा है। मुख्तलिफ खेल कूद में यहाँ के खिलाड़ी अलग अलग सतह के मुकाबले में अपने खेल हुनर से बेहतर खिलाड़ी होने का सबूत भी पेश कर रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।